हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा धवनी और प्रकाश के टॉप 25 क्वेश्चंस, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि धवनी तरंगे किस चीज़ में नहीं चल सकती है। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन सी लोहे में, या ऑप्शन डी निर्वात में। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निर्वात में नहीं चल सकती धवनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दो, धवनी की चाल सर्वाधिक किस चीज़ में होती है। ऑप्शन ए जल में, वायु में, ऑप्शन सी लोहे में, या ऑप्शन डी इस्पात में। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इस्पात में। धवनी की चाल जो सर्वाधिक होती है वह इस्पात में होती है। अगला प्रश्न, वायु में धवनी का वेग लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 220 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 110 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 232 मीटर प्रति सेकंड। तो जो वायु में धवनी का वेग होता है लगभग वह 232 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, मैक का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए धवनी को, ऑप्शन बी जलवायु को, ऑप्शन सी वायुयान को, या ऑप्शन डी अंतरिक्षयान को। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वायुयान को। जो मैक का उपयोग होता है वो वायुयान को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, डेसिबल में क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए धवनी, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी वायुयान, या ऑप्शन डी अंतरिक्षयान। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डेसिबल में हम ध्वनि को मापते हैं। अगला प्रश्न, साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। ऑप्शन ए 20 से 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 30 से 40 डेसिबल, ऑप्शन सी 50 से 60 डेसिबल, या फिर ऑप्शन डी 90 से 100 डेसिबल। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 30 से 40 डेसिबल होती है साधारण बातचीत के लिए। अगला प्रश्न, ध्वनि की कितनी तीव्रता को व्यक्ति सुन सकता है। ऑप्शन ए 50 डेसिबल, ऑप्शन बी 70 डेसिबल, ऑप्शन सी 85 डेसिबल, या फिर ऑप्शन डी 95 डेसिबल। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 95 डेसिबल तक। अगला प्रश्न, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए धारा का ध्वनि में रूपांतरण करने के लिए, ऑप्शन बी ध्वनि का धारा में रूपांतरण करने के लिए, ऑप्शन सी धारा ध्वनि का परावर्तन, या ऑप्शन डी प्रकाश का परावर्तन। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि का परावर्तन करने के लिए। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए धारा का ध्वनि में रूपांतरण, ऑप्शन बी ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ऑप्शन सी ध्वनि का परावर्तन, या ऑप्शन डी प्रकाश का परावर्तन। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि का परावर्तन। अगला प्रश्न, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है। ऑप्शन ए 1/5 सेकंड, ऑप्शन बी 1/10 सेकंड, ऑप्शन सी 1/20 सेकंड, या ऑप्शन सी 1/2 सेकंड। तो ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर 1/10 सेकंड तक रहता है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, या ऑप्शन डी निर्वाचन। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न, सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टरों द्वारा, ऑप्शन सी इंजीनियरों द्वारा, या ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, डोपलर प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए ध्वनि से, ऑप्शन बी जनसंख्या से, ऑप्शन सी मनोविज्ञान से, या ऑप्शन डी मुद्रा प्रचालन से। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ध्वनि से। अगला प्रश्न,
प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगे। अगला प्रश्न, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ऑप्शन ए न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन बी हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन सी प्लैंक के द्वारा, या ऑप्शन डी फैराडे के द्वारा। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हाइगेंस के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए कॉम्पटन, ऑप्शन बी मैक्सवेल, आइंस्टीन, या ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आइंस्टीन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, या ऑप्शन डी रोमर। तो सबसे पहले प्रकाश का वेग रोमर ने ज्ञात किया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? ऑप्शन ए हीरे में, ऑप्शन बी निर्वात में, ऑप्शन सी पानी में, या ऑप्शन डी कांच में। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा निर्वात में, प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 8 सेकंड, ऑप्शन सी 1.3 सेकंड, या ऑप्शन डी 100 सेकंड। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1.3 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल कितनी होती है? ऑप्शन ए 9 × 10^2 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 3 × 10^11 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकंड, या ऑप्शन डी 2 × 10^4 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी किरीट या कोरोन, ऑप्शन सी प्रभाव मंडल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी किरीट। अगला प्रश्न, हीरा चमकदार किस कारण दिखाई देता है? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या ऑप्शन डी प्रकीर्णन के कारण। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, या ऑप्शन डी प्रकीर्णन के कारण। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, या ऑप्शन डी 5। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7, इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, या ऑप्शन डी परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। तो ये हमारे टॉपिक का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।